महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के समक्ष वर्धा पथ पर रहते हुए 1 जुलाई 2023 को समृद्धि राजमार्ग पर विदर्भ ट्रैवल्स दुर्घटना के 25 मृतकों के परिवारों के सदस्यों को 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। जिला संरक्षण मंत्री 15 मिनट बाद भी देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा पूरी नहीं की है, ऐसा आरोप पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रखा है। मृतकों के प्रभावित परिवारों ने लगातार 104 दिनों तक वर्धा कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिया, लेकिन राज्य सरकार ने कोई भी प्रतिक्रिया तक नहीं दी है। इस संबंध में राज्य सरकार को बार बार ज्ञापन दिया गया। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधान भवन हॉल में दो बार सवाल उठाया। राज्य सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस पर उचित कार्यवाही का निर्देश दिया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और वर्धा लोकसभा क्षेत्र के सदस्य अमर काले ने शुक्रवार को नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रत्येक मृतक पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए देने की घोषणा को लागू किया जाना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव आचार संहिता के अंदर अन्यथा जरूरतमंद पीड़ित परिवार को धोखा देकर इसका परिणाम आपको आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे महाराष्ट्र में भुगतना पड़ेगा। 15 महीने पहले 1 जुलाई 2023 को समृद्धि महामार्ग जो है उसमें वर्धा के नज़दीक एक लग्जरी बस को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, ये वाकया होने के बाद में, ये एक्सीडेंट होने के बाद में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके घोषणा की थी कि इस एक्सीडेंट में, इस समृद्धि मार्ग के ऊपर जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में जो 25 परिवार जो पीड़ित है, इनके घर के लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई, ये 25 परिवार को राज्य शासन के तरफ से एक एक परिवार को 25-25 लाख रुपए दिया जाएगा, इस प्रकार की घोषणा 15 महीने पहले देवेंद्र फडणवीस ने की थी। ये सब जो बैठे पीड़ित फैमिली के लोग, ये सब लोगों ने मिलकर 104 दिन वर्धा में उपोषण किया। उसमें चंद्रशेखर जी मड़ावी, अविनाश जी ठाकरे, बाकी सभी जो है पीड़ित परिवार के सभी जन वहाँ पे उपस्थित थे। वर्धा के खासदार ये भी उपोषण में शामिल हुए, लेकिन 104 दिन उपोषण करने के बाद भी अभी तक शासन ने इस पीड़ित परिवार को 25-25 लाख की मदद नहीं की। हमारी इनके तरफ से सबकी मांग है कि अभी आचार संहिता जल्द से जल्द लगने वाली है, आचार संहिता के पहले राज्य शासन ने इस पीड़ित परिवार को जो आश्वासन दिया था उसके हिसाब से मदद करना चाहिए। और मदद करने की इच्छा नहीं है उनकी, तो उन्होंने कम से कम जाहिर करना चाहिए देवेंद्र फडणवीस ने कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था इस बात का मैं इनकार करता हूं। ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा कोई बयान मैंने नहीं दिया था, इसके लिए भी ये सब पीड़ित परिवार के तैयार हैं। लेकिन ये सब चाहते कि इनको आश्वासन देके जिस प्रकार से गुमराह करने की इनको कोशिश की जा रही है, उसके लिए पीड़ित परिवार बहुत नाराज है और फिर से उपोषण में बैठने की उनकी तैयारी है। एक तो देवेंद्र फडणवीस के सरकार ने इनको मदद करना चाहिए या खुलेआम बोलना चाहिए कि ऐसा बयान मैंने 25 लाख रुपये मदद करने के बारे में, ऐसा कोई भी बयान मैंने दिया नहीं। इसके लिए सब पीड़ित परिवार के लोग सब यहाँ पे आए हैं और सरकार से दरखास्त कर रहे हैं कि इसके बारे में आचार संहिता के पहले जल्द से जल्द कदम उठाए। धन्यवाद। 1 जुलाई 2023 को समृद्धि हाईवे पर हुए इस हादसे में 2 साल के बच्चे समेत 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधा के प्रति दुख जताया, वहीं पूरे महाराष्ट्र पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा।
देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए देने और घटना की गहन जांच कराने की घोषणा की थी। जब 25 मृतकों का अंतिम संस्कार चल रहा था, उसी दिन महाराष्ट्र सरकार ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को शपथ दिलाकर घोषणा को बुला दिया। सरकार ने राज्य सरकार के माध्यम से सिर्फ 5 लाख और केंद्र सरकार के माध्यम से 2 लाख रुपए देकर अपना पल्ला झाड़ दिया। इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग को लेकर 25 मृतकों के पीड़ित परिवार अनिश्चितकालीन 104 दिनों की क्रमिक भूख हड़ताल पर चले गए। इसी मुद्दे को लेकर शर्म करो आंदोलन के तहत मौन मार्च निकाला गया। इस आंदोलन में समय समय पर 25 जिलों से मृतकों के परिजनों सहित बड़ी संख्या में वर्दी कर सामाजिक आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जनवरी 2024 को विंदापुर के संविधान चौराहे पर राम नाम जप का विरोध कर रहे थे और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांग रहे थे। फडणवीस के मुताबिक उस दिन नागपुर शहर के पुलिस उपायुक्त राहुल बद्दे ने एक लिखित पत्र लिया था, जिसमें कहा गया था कि विदर्भ ट्रैवल्स की मंजूरी रद्द कर दी जाएगी और एक जांच समिति गठित की जाएगी, लेकिन उसके अनुरूप कुछ भी नहीं किया गया। विरोध प्रदर्शन के आयोजक चंद्रशेखर मड़ावी ने 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर विरोध स्थल पर फांसी लगाने का प्रयास किया। पुलिस के हस्तक्षेप से उनकी जान कुछ देर के लिए बच गई। परिवहन उपायुक्त की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने शीतकालीन सत्र में और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मानसून सत्र में इस संबंध में सवाल उठाया था, लेकिन सरकार ने जवाब देने से इनकार कर दिया। 25 लाख रुपये आमच्या परिवाराला आश्वासन दिल्याप्रमाणे जर देण्याची जर दानत नसेल तर फक्त देवेंद्र फडणवीस यांनी एवढं सांगावं की मी जे आश्वासन दिलं होतं 25 लाखाचं ते मी दिलं नाही, त्याच्यानंतर आम्ही सरकारला एक पैसासुद्धा मागणार नाही। अशा पद्धतीने या सर्व पीडित परिवारांची भावना आहे। 104 दिवस यांनी आंदोलन केलं, पण याच्याकडे लक्ष नाही सरकारचं। तिथले खासदार तिथे आंदोलन करतात, उपोषण करतात, त्याच्याकडे लक्ष नाही। ही सर्व मंडळी त्या ठिकाणी उपोषणाला बसली, आणि म्हणून याच्याकडे फारच कमी दिवस लागलेले आहेत। आता आचारसंहिता केव्हाही लागू शकते, यांची एकच शेवटली मागणी आहे की आचारसंहिता लागण्याच्या पहिले जर यांनी आश्वासनाप्रमाणे जर पैसे दिले तर ठीक, नाही तर देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा जनतेसमोर येऊन सांगावं की आमच्या सरकारची दानं तुम्हाला मदत करायची नाही। त्याच्यानंतर चंद्रशेखर मडावी यांना काही सांगायचं असेल सांगतील। एक मिनिट, हा व्हिडिओसुद्धा आहे देवेंद्र फडणवीसचा, जे आश्वासन दिलं होतं त्यांचा व्हिडिओसुद्धा आहे, पण आता आपला वेळ घेणार नाही। वाचून दाखवू का? फॉरवर्ड करून म्हणजे मी सांगतो की एकनाथजी शिंदेने तो मंत्र सांगितलं, पण यांनी आपल्या समोर येऊन सांगितलं। मी व्हिडिओ आपल्या कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।